टॉपिक इज असोकरिष्ट। इंग्रेडिएंट्स: क्वाथ द्रव्य, असोक्त्वक, वंधुला 5 किलोग्राम्स, वोटोफो डिकॉक्शन इज 4 द्रोण 48 लीटर्स रिड्यूस टू 12 लीटर्स। मधुर द्रव्य में है गुड़ 200 पोल 9.6 किलोग्राम्स। संधान द्रव्य में है धात की पुष्प 16 पोल यानी कि 768 ग्राम्स। प्रक्षेप द्रव्य कृष्ण झीरक, मुस्ता, सुंठी, दारू हरिद्रा, नीलकमल, हरितकी, विभीतकी, आमलकी, अमरस्थी मजा, झीरक, फासामूल, श्वेत चंदन, इन सभी द्रव्यों को 1 पोल यानी कि 48 ग्राम्स लेना है। मेथड ऑफ प्रिपेरेशन: द कोर्स पाउडर ऑफ अशोकत्वक इज टेकन इन अ डिकॉक्शन वेसल अलॉन्ग विथ मेंशन क्वांटिटी ऑफ वॉटर। द वेसल इज प्लेस्ड ओवर माइल्ड फायर बॉइल्ड रिड्यूस टू 1/4। अशोकत्वक को और जितनी क्वांटिटी पानी का है उन्हें वाष्प बनाने के वेसल में लेना है और 1/4 क्वांटिटी तक रियूज करना है। देन इट इज टेकन इन अ क्लीन वाइड माउथेड वेसल। When it is cool, the mentioned quantity of powdered gourd is added, stirred well and completely dissolved. फिर उसे वाइड माउथेड वेसल में लेना है और जब वो ठंडा हो जाए तब उसमें गुड़ मिलाकर उसे डिजोल्व करना है। मेंशन क्वांटिटी ऑफ धात की पुष्प इज क्लीन्ड ड्राइड अंडर द हॉट सन एंड केप्ट रेडी। फिर धात की पुष्प को साफ करके सूरज में सुखा कर तैयार रखना है। नाउ एन एप्रोप्रिएट संधान पात्र इज सिलेक्टेड। देन जेगरी डिजोल्ड डिकॉक्शन इज केयरफुली पर्ड इंटू फर्मेंटेशन वेसल एंड कोर्स पाउडर ऑफ प्रक्षेप द्रव्य एंड धात की पुष्प इज एडेड। फिर संधान पत्र को लेकर गुड़ वाला क्वाथ और प्रक्षेप द्रव्य और धात की पुष्प का चूर्ण डालना है। द मिक्सचर इज कॉजियसली स्टर्ड एंड द वेसल इज केप्ट अनडिस्टर्ब बाय टेम्पररली क्लोजिंग इट्स माउथ विथ अ क्लॉथ एंड लीड। फर्मेंटेशन इज ऑब्जर्व डेली फॉर 3 to 5 डेज। संधि बंदर ऑफ द वेसल इज डन। इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 15 डेज इन हॉट क्लाइमेट्स एंड 30 डेज इन कोल्ड क्लाइमेट्स एंड देन सिम्टम्स ऑफ फर्मेंटेशन कंप्लीशन आर लुक फॉर। फिर इस प्रोसेस के बाद 3 से 5 दिन तक फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑब्जर्व करनी है और ये प्रोसेस हो जाने के बाद उस पर ढक्कन लगाकर कपड़े से बंद कर देना है और गर्मी हो ऐसी जगह 15 दिन तक और 30 दिन के लिए ठंडी जगह रखना है। आफ्टर कन्फर्मिंग कम्प्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन द प्रिपेरेशन इज साइफन आउट। फर्मेंटेशन कम्प्लीट होने के बाद संधान पात्र को खोलकर उसे निकालना है बाहर। इट इज स्टोर्ड इन एयरटाइट बिगर प्लास्टिक कैंस एंड चेक फॉर कंटिन्यूड फर्मेंटेशन एंड द सेडिमेंट्स इन द लिक्विड फॉर फोर्टनाइट और 2। और प्लास्टिक के एयरटाइट कैन में स्टोर रखना है और एक या दो रात के लिए लिक्विड में पार्टिकल को देखते हैं। द प्रिपेरेशन इज लेटर साइफंड आउट अगेन पैक्ड इन एयरटाइट कंटेनर नीटली लेबल्ड एंड डिस्पेंस। और उसके बाद फिर उसे बाहर निकाल कर एयरटाइट कंटेनर में रखना है। द मेडिसिन विल बी रेडिश लिक्विड विथ अल्कोहल ऑडर एंड बिटर स्वीट शार्प टेस्ट। ये रेडिश होगी और इसका टेस्ट बिटर स्वीट होगा और गंध अल्कोहल जैसी होगी। डोसेज एंड अनुपान: डोसेज 1 पल 48 ml ट्विस अ डे अनुपान विथ सेम क्वांटिटी ऑफ वॉटर। इंडिकेशन: अश्रोगदर, ज्वर, रक्तपित्त, अश्ररोग, अरुचि, प्रमेह, शोथ एंड इज प्रोमिनेंटली यूज्ड फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर।